क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 2016 टू 2019। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न तालिका किसी संगठन के विभिन्न विभागों में 2016 से 2019 तक कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है। यानी कि ये जो तालिका आपको दी है, इस तालिका में 2016 से 2019 तक जो अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। जैसे 2016, 17, 18, 19 ये चार साल दिए हैं। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में कितने लोग काम करते हैं उनका क्रम दिया हुआ है। 2016 में 500 करते थे, 2017 में बढ़कर 940 हो गए, 2018 में 1000 हो गए, 2019 में 1010 हो गए। इसी प्रकार मार्केटिंग में कितने कितने लोग करते थे काम 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। इसी प्रकार कॉरपोरेट में कितना काम करते थे, तो 50, 60, 70, 75 हो गए। शोध यानी कि रिसर्च जो होती है उसमें 145, 140, 146, 150 इतने एम्प्लॉय हर साल काम करते थे। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने पूछा है कि किस वर्ष में उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। किस वर्ष में यानी कि वर्ष में पूछा है कि किस वर्ष में उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि 2016 में टोटल कितने एम्प्लॉय काम करते थे, 2017 में टोटल कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, 2018 में कितने करते हैं, 2019 में कितने करते हैं। तो अधिकतम आपसे पूछा गया है। देखिए देखते से आप आंसर लगा देंगे, इस चीज़ की गारंटी है। कैसे देखिए, आप देखिए 2016 में यहाँ 500 थे उत्पादन में, 2017 में 940 हुए तो 500 से तो ज़्यादा है, 2018 में 1000 हुए और 2019 में 1010 हुए। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें उत्पादन के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में किस वर्ष में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय थे, तो आप कहेंगे सर 2019 में। ठीक है, तो 2019 में मतलब एक प्रोडक्शन वाला जो डिपार्टमेंट था, उत्पादन वाला जो डिपार्टमेंट था, उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय किस में थे, तो 2019 में थे। ठीक, अब हम आते हैं मार्केटिंग में। तो देखिए यहाँ पर 130 थे, 146 हुए, 160 हुए या 150 हुए, यहाँ पर कम हो गए लेकिन यहाँ पर बढ़ गए, यानी कि 2018-19 में। लेकिन आप ये डिफरेंस देखिए कवर हो गया कैसे, यहाँ पर 1000 थे या 1010 थे, यहाँ 160 और यहाँ 150 है, मतलब यहाँ 10 ज़्यादा थे तो यहाँ 10 कम हो गए। तो अभी 2018 और 19 दोनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन 2016 और 17 से तो ये दोनों ज़्यादा हैं कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2016 में यहाँ 50 थे कॉरपोरेट में, 17 में 60 थे, यहाँ 70 हो गए, यहाँ 75। अब देखिए जब यहाँ दोनों में बराबर हो गए उत्पादन और मार्केटिंग में 2018-19 में, लेकिन 19 में फिर से 5 बढ़ गए, तो अभी 19 फिर से आगे हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर यहाँ 45 थे, यहाँ 40 थे, यहाँ 46 हो गए और यहाँ 50, तो यहाँ फिर से 4 बढ़ गए। तो यानी कि फाइनली ये 9 बढ़ के निकलेगा कि नहीं। तो आपने देखा कि 2019 का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है चारों सालों में, तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो भाई क्वेश्चन तो यही पूछा है ना कि किस वर्ष में उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी, तो अधिकतम किस में आ रही है, 2019 में। तो 2019 यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर डाउट है तो देखिए डाउट आपका फिर से क्लियर किए दे रहे हैं हम। अगर आपको ऐसे बात समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 2016 लिखें, 2016 में कितने एम्प्लॉय थे, तो 500, 130, 50 और 145, इन सब का सम कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर ये 5 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 5, ये 5, 4, 9 और 3, 12 की 2 हासिल में 1 और ये 8, तो ये 825 कर्मचारी थे टोटल। ठीक है, अब 2017 की अगर हम बात करें तो देखिए 2017 में आप देखिए 2017 में 940 उत्पादन में थे, मार्केटिंग में 146 थे और कॉरपोरेट में 60 थे और 140 शोध में यानी कि रिसर्च में थे। ठीक है, अब देखिए ये कितना होगा 6, 6, 4, 10 और 8, 8 की 8 हासिल में 1 और 11 और 1 12, तो 1286 हुए, यानी कि 2016 से 2017 में ज़्यादा एम्प्लॉई है। अब हम आते हैं कि इसमें 2018 में, तो 2018 में अगर हम बात करें तो 1000 एम्प्लॉई आपके उत्पादन में हैं, दूसरे 160 आपके
मार्केटिंग में है, 70 आपके कॉरपोरेट में है और 146 किस में है, रिसर्च में है। ठीक है, 146 किस में है, रिसर्च में। अच्छा, ये दूसरे वाले में 146 नहीं था, 140 था, तो इसको 40 कर लीजिए, ये 6 कम हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, 140 नहीं था 940 के बाद। अच्छा, 140 आपका सेकंड नंबर था, बिल्कुल 40 ही था, 40 ही रहने दीजिए। चलिए, ये सही है आपका। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर 140, इन सबका ऐड करिए, आप चारों को ऐड करिए, तो ये आपका कितना हो गया, 6 और 4 10 7 17 7 हासिल में 1, तो ये कितना हो गया, 3, ये 1376 हो गया। अब आपका लास्ट क्या रहेगा, 2019। अब 2019 देखिए, 2019 में आप एम्प्लॉयज देखिए, प्रोडक्शन में कितना, 1010, 150 किस में है भाई, मार्केटिंग में, आपका कॉरपोरेट में 75 और 150 किस में, तो आप कहेंगे सर शोध में, तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 5 5 10 8 8 हासिल में 1, तो ये 3 हो गया, और ये 1385 है, 1376 है। तो देखिए, इन दोनों में यही ज़्यादा आ रहा है, और वही चीज़ हमने डायरेक्ट आपको बताई कि आप वहीं से देखकर भी आंसर लगा सकते थे। तो क्लियर हो गई बात, तो 2019 में कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक थी, क्लियर हो गई, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ, द टेंजेंट एट ए पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट क्यू, इफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 42 डिग्री, देन वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल सी क्यू ए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है, यदि एंगल यानी कि कोण सी ए बी बराबर 42 डिग्री है तो आपको कोण सी क्यू ए की माप बतानी है कि कितनी होगी। चलिए, तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा कि क्या डायग्राम बनेगा इसका। तो उन्होंने बोला कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, तो चलिए हमने एक वृत्त बना लिया, एक वृत्त बना लिया जिसका व्यास कितना है, ए बी है, हमने ए बी इसका व्यास बना लिया, डायमीटर जिसका सेंटर कितना है, तो आप कहेंगे सेंटर सर ओ है। ठीक है, वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर क्यू पर मिलती है। देखिए, एक सी बिंदु पर कहीं भी बना लीजिए, यहाँ पर ये सी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी हमने, और ए बी को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलती है, इसको क्यू पर मिलती है, और ये स्पर्श रेखा कहाँ है, यहाँ पर सी बिंदु पर, ये सी बिंदु है, इस पर ये स्पर्श रेखा है। अब इन्होंने दिया है, यदि एंगल सी ए बी 42 है तो सी ए बी यानी कि अगर हम सी को ए से मिला देते हैं इस तरीके से, तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे सर ये 42 डिग्री का है कोण, सी ए बी कितना हो गया, 42 डिग्री का हो गया, क्लियर, तो सी ए बी आपका 42 डिग्री आ गया। अब आपके पास सी ए बी 42 आ गया, इन्होंने पूछा क्या है, सी क्यू ए, सी क्यू ए, तो देखिए सी क्यू ए ये वाला कोण आपको बताना है कि ये कितना डिग्री का होगा, ये वाला कोण आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर स्पर्श रेखा आपको दी गई है, ठीक है, वृत्त का केंद्र आपको दिया गया है ओ, आपसे सी क्यू ए आपसे पूछा गया है कि सी क्यू ए कितना होगा, सी ए बी आपको 42 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो यहां पर यह हो सकती है कि आप यहां पर यह करें कि भाई आपको पता है कि अगर आप ओ और सी को मिला दें तो ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या का काम करेगी, तो यहां पर अगर हम इसको मिला देते हैं, ये जो रेखा को आपने मिला दिया, केंद्र को सी से मिला दिया, तो आप जानते हैं केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई, केंद्र पर स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब होता है ये, यानी कि केंद्र से यदि हम स्पर्श रेखा को मिलाते हैं जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है स्पर्श रेखा पर, तो ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। अब ये 90 डिग्री का आ गया, ठीक, और आपको ये पता है कि ये वाली भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो त्रिज्या है, तो ये बराबर बराबर हो गई, अगर ये बराबर है तो ये भी कितना हो गया आपका, 42 डिग्री का हो गया, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं त्रिभुज में, तो अगर हम यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ए ओ सी त्रिभुज लेते हैं, तो इस ए ओ सी त्रिभुज में
त्रिभुज ले लेते हैं हम यहाँ पर, त्रिभुज ए ओ सी में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ओ ए बराबर किसके है? ओ सी के बराबर किसके? त्रिज्या के, ये रेडियस है। तो अगर ये बराबर है तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके? 42-42 डिग्री के हो जाएंगे। हालांकि इसको नाम आप ऐसे देना सी ए ओ, ठीक है, यहाँ पे हमें किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। और यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा ओ सी ए, दोनों कैसे हो गए बराबर। अब ये 42 है, ये 90 हो गया। तो अब ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज को थोड़ा सा आप देखिए, इस पूरे बड़े त्रिभुज को देखिए। अब त्रिभुज कौन सा देखना है आपको? ट्राइंगल देखना है आपको, कौन सा? ए क्यू सी, ट्राइंगल ए क्यू सी में। अब एक त्रिभुज ए क्यू सी को थोड़ा सा आप देखिए, ए क्यू सी जो त्रिभुज है इसमें आप देखिए ये वाला कोण कितना हो गया पूरा? 90 और 42 मिलाकर, तो आप कहेंगे 90 और 42 132, ये हो गया कितना? हो गया 132, और ये कितना है? 42। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अब आप कह सकते हैं त्रिभुज ए क्यू सी में कि कोण सी प्लस कोण ए और प्लस कोण क्यू कितना हो जाएगा? 180 के बराबर। और कोण क्यू तो आपको निकालना ही है, देखिए कोण क्यू तो आपको निकालना ही है, ठीक है ना। तो C की वैल्यू कितनी है? 132, A की वैल्यू कितनी है? 42, कोण Q आपका निकालना है 180 में से आप माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 4 और ये 7 और ये कितना? 1, 174 प्लस कितना हो गया भाई? कोण Q बराबर में 180 डिग्री। तो कोण Q की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से 174 जाएगा तो 6 डिग्री। तो 6 डिग्री आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 6 डिग्री क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है आपको? तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आप क्या करेंगे, आपने ओ को सी से मिलाया तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया और इस ये भी त्रिज्या है ओ सी और ओ ए, तो ये दोनों बराबर। तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो अगर ये 42 है तो ये भी 42 हो गया, ये 90 था 42 तो 132, ये पूरा एंगल 132 हो गया, 132 ये 42 ये, तो दोनों का सम 174 हो गया, 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना निकल कर आ गया? 6 डिग्री। 6 डिग्री आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्लियर होगी बात? सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी इसमें टफ क्वेश्चन नहीं था, सीधा सीधा अपन को करना था, आपने सीधा सीधा किया, आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर एन इज डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धन पूर्णांक, यहां पर द नहीं है, यहां पर एन कर लेना, किसी धन पूर्णांक एन को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है, शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा? देखिए अगर आप n को किससे भाग देते हैं, आप n को 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? बोल रहे हैं 2 आता है, रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। तो अब आप बताइए कि रिमाइंडर आपका 0 आए तो आपको किस संख्या को भाग देना पड़ेगा, n में आप क्या जोड़ दें भाई? अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो n में अगर आप 5 प्लस कर दें तो 2 ऑलरेडी रिमाइंडर आ रहा था, 5 आपने जोड़ दिया तो 7 हो जाएगा, और 7 में तो 7 से भाग जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम n में 5 जोड़ दें, क्योंकि n में आप 7 से भाग दे रहे थे तब रिमाइंडर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, लेकिन n में जब आप 5 जोड़ देंगे तो n प्लस 5 बच जाएगा और इसको आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि n में भाग देने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2 आ रहा था। तो यदि आपने n में कितना ऐड कर दिया, कितना जोड़ दिया, उसमें अगर आपने 5 जोड़ दिया तो 2 पहले से रिमाइंडर आ रहा था, 5 और जोड़ दिया 7 हो जाएगा, तो 7 में तो 7 से भाग जाता है, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी? n प्लस 5 होगी, जिसको यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप? ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गई बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस
आर एम परपेंडिकुलर क्यू एस और पी एन परपेंडिकुलर क्यू एस एंड क्यू एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इफ आर एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी एन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर एम लंब है किस पर, क्यू एस पर, पी एन लंब है किस पर, क्यू एस पर, और क्यू एस बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि आर एम बराबर 3 सेंटीमीटर है और पी एन बराबर 2 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं, एक चतुर्भुज बनाना है। सबसे पहले तो आपको पी क्यू आर एस करके, तो चतुर्भुज बता लिया भाई हमने, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। कोई डेफिनेट क्वाड्रिलेटरल नहीं है कि ये आयत बोला इन्होंने, वर्ग बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो इसलिए कोई भी शेप आप दे सकते हैं इसको। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से बनाना है। इसके बाद इन्होंने आपसे क्या क्या बातें बोली है, उन बातों को आप समझिए। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें आर एम जो है क्यू एस पर लंब है। तो क्यू एस कहाँ है, तो आपने क्यू को एस से मिला देना है, तो क्यू को एस से मिला देना है, तो आर एम लंब है, तो आर से इस पर लंब डाल दीजिए एम, तो आर एम लंब हो गया आपका क्यू एस पर। इसी प्रकार इन्होंने क्या बोला कि पी एन लंब है किस पर, क्यू एस पर, तो क्यू एस पर एक पी से लंब डालना है, परपेंडिकुलर बनाना है, तो एक लंब हो गया ये आपका पी एन, ठीक है, दोनों लंब हो गए। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि आर एम की लंबाई, क्यू एस की लंबाई सब कुछ आपको दिया है। क्यू एस की लंबाई कितनी दी है, तो क्यू एस इन्होंने आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। क्यू एस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आर एम कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर आर एम आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ये आपको आर एम दिया है, तो आर एम कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो आर एम लिख लिया भाई 3 सेंटीमीटर। इसके बाद पी एन कितना दिया है, तो पी एन आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो पी एन भी हमने लिख लिया, कितना दिया आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताना है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से त्रिभुज, एक तो आपका आर एस क्यू बन रहा है और एक पी एस क्यू बन रहा है। तो अगर हम पहले आर एस क्यू का क्षेत्रफल निकाल लें और पी एस क्यू का क्षेत्रफल निकाल लें, इन दोनों के क्षेत्रफल को यदि हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें एरिया निकालना है, किसका, एरिया, एरिया ऑफ किसका, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये इक्वल टू होगा आपका एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस क्यू। मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब यहाँ पर त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना काफ़ी आसान है आपके लिए, क्यों, क्योंकि देखिए एक भुजा दी है उस पर लंब दिया है, आधार गुणक ऊंचाई क्यू एस आपको दिया है और उस पर लंब दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आर एस क्यू का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 1/2, आधार कितना है, तो आप कहेंगे एस क्यू यानी कि 6, और ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3, प्लस 1/2, आधार कितना है, तो इसका क्षेत्रफल भी पी एस क्यू में भी देखिए आधार कितना है, एस क्यू है और ऊंचाई कितनी है, तो 2 है, ठीक है। तो देखिए 2 से ये कितने बार, 3 बार कैंसिल, 3 त्रिके कितना हो गया 9, 2 से ये 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 6, टोटल ऐड करेंगे कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया, क्लियर, आई होप बात आपको समझ में आ रही है किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड में आपका रूल लगेगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके पास जहाँ भी ऑफ लगा है यानी कि जहाँ का साइन लगा हो, हिंदी में का बोलते हो और
इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, उसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई को रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि मिश्रित भिन्न को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 8 * 8 = 9/8, तो ये आपका हो गया 9/8 / ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा 4 * 16 = 17, 17/8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4/8, यानी कि डिवाइड करना है आपको किससे, तो ये 3/5 से। अब देखिए ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो ध्यान रखना है ये चीज़ आपको, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा उसके बाद डिवाइड आप करेंगे, ठीक है। तो 8 * 2 = 16 और 17, 17/8 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2/ कितना है 5 * तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 * 3 = 4/3, फिर डिवाइड, डिवाइड का साइन लगा दीजिए, फिर 4/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, ये 3 * 3 = 5/ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, प्लस कितना है, तो आप कहेंगे सर 11/20 है, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां जहां ऑफ लगा था, जिसकी जगह पे हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑफ एक तो यहाँ ब्रैकेट में लगा था, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ये आपका 9/8 रहेगा डिवाइड बाई ब्रैकेट में ये 17/ कितना 4 और डिवाइड बाई, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 17 * 51 और ये आपका हो जाएगा 10, ठीक, 5 * 2 = 10, माइनस 2/ कितना 5 * 4/ कितना 3 और ये डिवाइड का साइन अभी लगा रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई ये सॉल्व करेंगे ना आप, तो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/ कितना हो गया 3 प्लस 11/ कितना हो गया 20, ठीक। देखिए जहाँ जहाँ आप लगा था पहले हमने उसको सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद क्या सॉल्व होगा, डिवीजन सॉल्व होगा, जहाँ जहाँ भाग का साइन लगा है वहाँ आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 9/8 ये तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तब उसके बाद ये भाग सॉल्व होगा, ये 17/4 था, अब आप इसको भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 10/ कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, माइनस 2/5 हो जाएगा, और ये आपका गुणा में 4/3 है, ये गुणा में 3/4 हो जाएगा, और प्लस में 11/20 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर आप देखिए 17 से 17 = 17, 17 * 3 = 51, 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार कैंसिल, तो ये 9/ तो कितना हो गया 8 और भाग में कितना है, तो आप कहेंगे सर ये ऊपर तो 5 आएगा और नीचे कितना आएगा 6, तो 5/6 हो गया, ब्रैकेट आप हटा सकते हैं आसानी से, अब ब्रैकेट आप हटाई दीजिए, किसी काम का नहीं है अभी ये ब्रैकेट आपका। इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, माइनस में कितना है 2/5 और प्लस में कितना है 11/20, ठीक, 11/20 ये लिख दिया आपने। अब आप देखिए भाग को फिर से गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो 9/8 गुणा कितना हो जाएगा 6/5 और माइनस 2/5 प्लस कितना 11/20। अब आप देखिए यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है 2 से ये 4 बार, 2 से ये 3 बार, 9 * 3 = 27, तो 27/ कितना हो गया 20 और माइनस में 2/5 और प्लस में 11/20। अब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम आपका यहाँ पर 20 आएगा, तो 20 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा तो ये ऊपर तो 27 ही आएगा, माइनस 5 से 20 कटेगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 11 से, तो ये आपका 11 ही हो जाएगा। तो अब आप देखिए कितना हो गया, 27 में से कितना चला गया 8 चला गया, 27 में से 8 गया तो कितना बचा 19, 19 और 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 30, तो 30/ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3/2, 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1/2, तो 1 सही 1/2 किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो 1 सही 1/2 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, सीधा आपको कैलकुलेट करना है, इसके अलावा कोई भी आपको इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, बॉड मास का रूल फॉलो करते जाना है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और देन
सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा।